एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं पहचान, मैं हूँ सिद्रा। मेरे साथ मौजूद हैं अमीन हाशवानी साहब, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ बिजनेस फोरम्स पे बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, एंड ही इज़ पुटिंग द बेटर फेस ऑफ पाकिस्तान बिफोर द वर्ल्ड। लेकिन आपसे एक सवाल है कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपका जब राबता होता है, यू आर द ओनली कनेक्ट विद पाकिस्तान दैट दे हैव, उनमें से अगर कोई पाकिस्तान विजिट करने आए, तो जहाँ हम उसको कहते हैं, बार बार बताते हैं कि पाकिस्तान के लोग टॉलरेंट हैं, खूबसूरत हैं, हॉस्पिटेबल हैं, क्या ऐसी तीन चीज़ें होंगी जो आप उनको रेकमेंड करेंगे कि आप अगर आके आपने ये नहीं किया पाकिस्तान में, सो यू हैवंट रियली एक्सपीरियंस्ड पाकिस्तान? आई थिंक एक तो है पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी। हम बहुत मरतबा होता है, हम एयरपोर्ट से हम जाके लोगों को लेकर आते हैं, हमारे मेहमान आते हैं, हम एयरपोर्ट भी जाते हैं, बाहर आपको ये कभी भी नहीं मिलेगा। दिस जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन इवन इंडिया से बहुत सारे लोग जो आते हैं वो कहते हैं वी कैन नॉट मैच योर हॉस्पिटैलिटी, जैसे हम नहीं मैच कर सकते जितनी आपकी वार्म्थ वेलकम जो आप करते हैं। सो फॉर मी दिस विल बी नंबर वन। हम जज्बाती लोग हैं, तो यू नो द वार्म्थ में भी हम बहुत जज्बात होते हैं, वाले खाना प्यार। जैसे वो कल पता नहीं किसने मैसेज किया, दे सेड कि मुल्क में इतने मसाइल दरपेश हैं, एहतजाज भी हो रहा है, फिर इसके अलावा बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, लेकिन कुछ मामला है जिसकी वजह से हमारे भंगड़े नहीं ख़त्म हो रहे, हमने वो भी सेलिब्रेशन पूरी करनी है अपनी। जी, सो आई थिंक एक तो वार्म्थ है हमारी, जो भी हम करते हैं इमोशनली हम दिल से करते हैं काम। दूसरा आई वुड से वी आर वेरी रेजिलिएंट एज ए नेशन। यू नो लॉट ऑफ, आप पिछले 30 साल में देख ले, सोवियत यूनियन का हुआ था, जियालक्स एरा वॉज देयर, वी हैड द इशू सिक्योरिटी का, हमारे इशू आया था, इंडिया पाकिस्तान के इशूज़ चल रहे थे, अफगानिस्तान से इशूज़ चल रहे थे, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, बॉम्ब ब्लास्ट एक्सेट्रा। इफ़ यू सी द रिजिलियंस, द वाइब्रेंस ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी, आई थिंक मैं तो हैट्स ऑफ, आई मीन ट्रिमेंडस। बिजनेसमैन का आप देख लें, वी स्टिल गो अबाउट डूइंग आवर बिजनेसेस। आप हमारे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं डिस्पाइट ऑफ सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द सिटी। हमारी जितनी भी सिविल सोसाइटी है रोडों पर भी आ जाते हैं एट रिस्किंग देयर लाइव्स, राइट। हमारे पॉलिटिशियंस असैसिनेट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस। सो आई थिंक रिजिलियंट हमारी सोसाइटी में बहुत है। 9/11 हुआ था अमेरिका में, अभी तक वो पूरा मुल्क पूरा शट डाउन हो गया था एक इवेंट के बाद, अभी तक दे स्टिल दिस थिंग। बॉम्बे में हुआ था, इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन यू नो फॉर देम टू रिकवर टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो कहते हैं ना, समटाइम होता है एक टर्बुलेंट हाउस होल्ड होता है, वहाँ बच्चे जब ग्रो होते हैं ना तो बड़े होते तो बड़े रिजिलियंट हो जाते, बड़े स्ट्रांग बन जाते, क्योंकि उनका मोहल्ला बड़ा टफ था। तो और उनका इम्यून सिस्टम उस बात को। सो पाकिस्तान हैज बीन इन अ वेरी टफ नेबरहुड, बहुत टर्बुलेंसेस रही है। तो एक सोसाइटी जो हमारी इधर डेवलप हुई है वो बहुत ही मजबूत है, उसमें मेंटल टफनेस बहुत है, एंड वी आर ऑप्टिमिस्टिक। क्यों, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो यू कॉन्ट सर्वाइव, you cannot survive. So for me this again is a very big strength for Pakistan. Ek aur strength Pakistan ka hai ke hamari, of course to a tourist I'll say ke hamari, you know, natural beauty bahut sari hai northern areas ke dekh le ye ve, to businessman I'll say ke hamare jo latent potentials hai बहुत सारे, एग्रीकल्चर में अगर आप देख लें हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ वेरी गुड, लैंड टू पीपल रेशियो इज़ वेरी गुड स्टिल एज़ कम्पेयर टू इंडिया फॉर एग्जांपल। यू लुक एट मिनरल्स में आप देख लें, ऑयल गैस हमारे पास है, कोल रिजर्व्स ह्यूज है, कॉपर, यू नेम इट, आपकी सीज है तो फिशिंग का इंडस्ट्री आ गई, यू नेम इट एंड वी हैव द पोटेंशियल। इसके लिए मैं कभी मायूस नहीं होता हूँ पाकिस्तान। इट्स वेरी नेचुरल, जिस तरह हम कहते हैं ना कि जो इंडिया और पाकिस्तान को हम कंपेयर करते रहते हैं कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, एंड यू आर ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ द पाकिस्तान इंडिया बिजनेस काउंसिल, आप क्या कहेंगे, सिमिलैरिटीज़ की हम बहुत बात करते हैं लेकिन जब आप इंडिया जाते हैं, वट इज़ दैट वन स्टार्क डिफरेंस इन द सोसाइटी, इन द नॉर्म्स, इन द वे पीपल आर, दैट इज़ ऑलवेज स्ट्राइकिंग टू यू? आई थिंक फॉर मी इट इज़ के इंडिया हैज़ इवॉल्व, उन्होंने एक अपनी नेशनल आइडेंटिटी बना दी है एंड दे हैव लर्न टू कॉम्प्रोमाइज़। हमारी सोसाइटी में आई स्टिल फील हम कॉम्प्रोमाइज़
इतना अच्छी तरह से नहीं कर सकते। जब भी एक सोसाइटी होती है बहुत डाइवर्स होती है, लैंग्वेज वाइज, कल्चर वाइज, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन होती है, तो अगर आपको गाड़ी आगे चलानी है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तोड़ जोड़ करें ना आपने गाड़ी आगे चलाना है। इंडिया सम हाउ ऑल्दो इट्स अ बिलियन प्लस पीपल, बहुत डाइवर्स है, तो वहाँ उन्होंने फिगर आउट किया हुआ कि कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके गाड़ी आगे चलानी है। और उसमें भी इंडिया की सोसाइटी में बहुत सारी खामियाँ हैं, बहुत सारी है खामियाँ। वहाँ लाख से ज़्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया हुआ है बिकॉज ऑफ डेट क्राइसिस उनके हुए थे। पॉवर्टी स्टिल है अबाउट 300 to 400 million पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं अभी। लेकिन वहाँ सर्टन चीज़ें ये हुई है कि उनके अगर आप देव लर्न टू कॉम्प्रोमाइज़ की गाड़ी कैसे आगे चलाएं और थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस। हालांकि चाइना बहुत तेज़ जा रहा है इंडिया से प्रोग्रेस वाइज, क्योंकि डिसीजंस बहुत जल्दी होते हैं वहाँ। इंडिया में कंसेंसस डिसीजन होते हैं और उसमें बहुत स्लो टाइम, बहुत टाइम लगता है, तो विच पीपल क्रिटिसाइज ऑल्सो। लेकिन वो गाड़ी एटलीस्ट आगे चल रही है और सब कहते हैं हाँ ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। हमारे जी हाँ, हमारे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ वी आर नेशंस ऑफ हीरोज़, हम हीरोज़ बनना चाह रहे हैं, लेकिन यू नो सेल्फ हीरोज़, वी नीड टू टीम वर्क हमारे यहाँ नहीं है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी को मदद करना चाहिए। और ये कल्चर आप बाहर भी जाएं तो यू विल फाइंड दिस ग्रुप्स, ग्रुपबाजी। आप अमेरिका में चले जाएं अमंग्स डॉक्टर्स को आपको मिलेगा, आप रिलीजियस प्लेसेस में चले जाइए ग्रुपबाजी अलग। दिस इज़ प्राइमरली बिकॉज हमने एज ए नेशनल आइडेंटिटी एक प्लेटफॉर्म हमने नहीं बनाया है। और हमारे ये माइंड सेट जब तक नहीं, मैं आपको अगर बाहर मिलूंगा, इफ़ आई स्टार्ट सीइंग यू एज अ पाकिस्तानी आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट। आप कहेंगे मुझे ये प्रॉब्लम जो ये है, मैं अभी नहीं आई हूँ अमेरिका में, आज चले ठीक है आ जाए। और इंडियन ये करते, सिलिकन वैली में आप चले जाएँ उनका पूरा नेटवर्क है, दे विल ट्राई एंड हेल्प यू। लेकिन इफ़ आई सी यू एज एज समवन हु इज़ माई फेलो कम्पेटिटर, या इफ़ आई सी यू एज अ पंजाबी और अ मुहाजिर और पठान और वट एवर, राइट, वर्स इज़ नॉट माई कम्युनिटी, तो आई विल सी यू एज ए थ्रेट। तो ना सिर्फ मैं आपको हेल्प नहीं करूँगा बल्कि आई विल ट्राई कि आप थोड़ा सा साइडलाइन ही हो जाएं, आप इतना सक्सेस भी नहीं हो, क्योंकि मेरे ही से आपकी कॉम्पिटिशन हो जाएगी। सो इट ऑल डिपेंड्स, यस, सो वी नीड टू इवॉल्व दैट एज अ नेशन। तो एंड इंडिया हैज़ डन दिस थिंग, इंडिया के भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं लेकिन दे हैव डन इट। इसके लिए मैं, द मोस्ट वरिंग थिंग फॉर मी पाकिस्तान में इज़ नॉट द करंट सिचुएशन, इट इज़ द ट्रेंड। आप पाकिस्तान 30 साल पहले देखें, 20 साल पहले देखें, 10 साल, 5 साल और आज देखें, सर्टन ट्रेंड्स है वो आपके टॉप 10 सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देख लें, दे गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, अनफॉर्चुनेटली। इंडिया में आप देखिए, इंडिया हमसे बहुत बुरे थे इन द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बहुत बुरे थे, लेकिन उनके अगर आप ट्रेंड्स देखें, और अभी भी सर्टन इंडिकेटर्स हमसे भी बुरे हैं, लेकिन उनके अगर आप ट्रेंड्स देखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जा रहे हैं, राइट। सो फॉर मी इट इज़ अ ट्रेंड, नॉट द करंट सिचुएशन, बिकॉज कुछ चीज़ भी स्टैटिक नहीं रहती, हमेशा डायनेमिक है। हम इंसान हैं, हम रोज़ तब्दील होते रहते हैं, फिजिकली इमोशनली हम चेंज होते हैं, मुल्क है पूरा इवॉल्व होते रहते हैं, सोसाइटीज चेंज होती है, सो इट्स ऑलवेज अ वेरी डायनेमिक ट्रेंड, क्योंकि आस्ते आस्ते होता है हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन वी ऑलवेज कीप ऑन इवॉल्विंग एंड वी हैव टू कीप आवर आईज ऑन द ट्रेंड्स दैट आवर नेशन इज टेकिंग, एंड फॉर मी दैट इज़ द मोस्ट वरिंग। अमीन, बहुत बाद ये कई जुमले होते हैं, फिक्रे होते हैं जो हम हर रोज़ सुनते रहते हैं, और जब आप मुल्क से बाहर जाते होंगे समटाइम्स यू इवन मिस देम। सो व्हाट्स दैट वन थिंग, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है दिस इज़ 100% पाकिस्तानी, दिस इज़ सो देसी कि मैं दुनिया में कहीं पर भी रिकग्नाइज कर सकता हूँ कि ये किसी पाकिस्तानी ने कहा होगा? एक फ्रेज तो आई लाइक इज़, कहते हैं मिट्टी पाओ समथिंग दे कॉल इट, राइट, एंड वो आई मीन स्लैंग है, बट आई फाइंड दैट वेरी नाइस बिकॉज इट मीन्स टू मूव ऑन इन लाइफ, कि डोंट गेट स्टक इन टू यू नो पेटी इश्यूज़। और आइंस्टाइन की एक सेइंग है कि टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी नीड टू एलिवेट आर सेल्व्स टू अ हायर लेवल ऑफ थिंकिंग फ्रॉम वे वी वर व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्टेड। यानी अगर आपको हल करना है कोई भी मसले को, हमें अपनी ज़हनियत को, अपने अपनों को हमें एक ऊंचे दर्जे पे ले जाना होगा कि जहाँ जहाँ वो उसे ऊपर होगा जहाँ जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। अगर हम उसी लेवल पे रहेंगे तो
तो मसले हल नहीं होंगे। हम अगर अपनी सोच को ऊपर ले जाएंगे तो सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आएगा। आई नो जिस तरह की बार बार बात की जाती है कि अगर आपने उसी सोच से उस मसले को सुलझाने की कोशिश करनी है तो वही तो सोच थी जिसकी वजह से ये मसला इन द फर्स्ट प्लेस क्रिएट हुआ। सो यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू टेक द होल मैक्रो पिक्चर इन व्यू। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वी हैव द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऑफ द शो लाइंड अप फॉर यू।